यह है गुजरात के न्यू पालनपुर स्टेशन से रवाना होती हुई मालगाड़ी। इस मालगाड़ी को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए गए हैं, तमाम लोग हाथ हिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐतिहासिक मौका है। 353 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस सेक्शन यानी न्यू पालनपुर से मदार के बीच में ये ट्रेन ले जाई जा रही है। ये पेट्रोलियम टैंकर ट्रेन है और यहाँ से पहली दफा ट्रायल के तौर पर इस ट्रेन को इस पर चलाया जा रहा है, यानी डीजल इंजन लगाकर ये पेट्रोलियम टैंकर ट्रेन ले जाई जा रही है। आप देख सकते हैं इसके अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन आगे बढ़ी। और इस मालगाड़ी की बात करें तो इसमें हाई स्पीड डीजल ले जाया जा रहा है, और यानी यह मालगाड़ी पेट्रोलियम टैंकर मालगाड़ी है। इसको हरियाणा के बावल जाना है, तो एक बड़ी चीज़ है। न्यू पालनपुर और मदार के बीच में ये पहली मालगाड़ी चलाई गई है, इसको ट्रायल के तौर पर चलाया गया है। यह मालगाड़ी 2 डीजल इंजन के जरिए खींची जा रही है और इसमें 50 टैंकर लगे हुए हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू पालनपुर से मदार के बीच में जो रेल सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है? तो उसके पीछे जो वजह है वो वजह ये है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर पहली दफ़ा गुजरात का कोई स्टेशन आएगा, और एक ऐसा स्टेशन जहां से गुजरात के तमाम बंदरगाह सीधा सीधा जुड़ेंगे। गुजरात के बंदरगाहों की बात करें जो इस रेल सेक्शन के खुलने से फ़ायदे में रहेंगे, तो उनकी हम बात करते हैं तो पीपावाव, कांडला, मुंद्रा और हजीरा सीधे सीधे उत्तर भारत से जुड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों की बात करें तो दोनों पर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक सेक्शन ओपन किया गया था, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक सेक्शन ओपन किया, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों में किया था। अब उसके बाद ये 353 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर से मदार के बीच में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा ट्रायल के तौर पर खोला गया है, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी ट्रेन बड़ी आसानी से चलती चली जा रही है, और आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि न्यू पालनपुर यानी गुजरात से सीधा सीधा हरियाणा के रेवाड़ी तक जो है ट्रेनें आ सकेंगी, यानी बंदरगाह से माल उतारा जाएगा और वो सीधा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में लाया जाएगा और वहाँ से सीधे सीधे उत्तर भारत के तमाम जगहों पर ये माल पहुँच सकेगा।